सोलन का जवाहर पार्क, जो सोलन के बीचों बीच एक ऊंची चोटी पर स्थापित है, इस पार्क को सोलन शहर का ताज कहा जा सकता है। इस पार्क के रखरखाव पर पिछले कई वर्षों से लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन पार्क की हालत उसके बाद भी सुधर नहीं पा रही है। इस पार्क की दशा भी और शहर के और पार्कों की तरह बेहद दयनीय है। जगह जगह कूड़ा पसरा हुआ है जो पार्क की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पार्क की ओर नगर निगम का ध्यान बेहद कम है। झूले टूटे पड़े हैं, बैठने के टूटे हुए बेंच भी अपनी बदहाली पर आंसू रो रहे हैं। यहाँ का माहौल देखकर यहाँ परिवार के सदस्य आने से भी कतरा रहे हैं, इसीलिए यह पार्क केवल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। युवाओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जवाहर पार्क को स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ नगर निगम कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ परिवार के लोग घूमने नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो उन्हें शर्मसार होना पड़ता है। पार्क्स जो है वैसे घूमने के लिए होते हैं, पेरेंट्स के लोग पेरेंट्स के साथ आते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि हमारी एज के लड़का लड़की, एक तो आपको पता ही है मतलब उनकी हरकतें कैसी होती हैं, दूसरा मेरी एज के लड़के लड़कियाँ भी हो तो अगर यहाँ निचला कॉर्नर है, यहाँ पर अगर मैं पैदल भी जाऊँ मम्मी के साथ दोपहर के टाइम में किसी भी टाइम पे, तो फिर वहाँ पे लड़के स्मोक कर रहे होते हैं, भांग की गोलियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है। और मोस्टली गंदगी फैलाने के पीछे मेरी एज के जैसे बच्चे होते हैं उन्हीं का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर हम बैठे हैं इस जगह मैंने लड़कों को दारू पीते हुए भी देखा है शाम के टाइम 4-5 बजे जैसे। और एक और चीज़ कि पार्क में मोस्ट ऑफ द मतलब 10th-12th के बच्चों को बंक मतलब बहुत मारते हैं बच्चे यहाँ पे, और स्कूल से मतलब स्कूल जाते नहीं हैं, खासकर अभी जब लॉकडाउन के बाद स्कूल्स खुले थे तो मैं तो ऐसे घूमते फिरते आता रहता था यहाँ पे, तो दोपहर के टाइम काफ़ी बच्चे दिख जाएंगे आपको स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पे घूमते हुए, स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं। और बाकी मतलब अपनी फैमिली के साथ घूमने लायक नहीं बचा कोई भी पार्क हो यहाँ पे, आप चिल्ड्रन पार्क चल जाओ, मोहन पार्क तो बस रहने दो, तो कुछ नेक्स्ट लेवल है। कोई भी फैमिली मेंबर नहीं दिख जाएगा अगर आप कैमरा घुमाएंगे ना, आपको कोई भी फैमिली वाला नहीं दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पर या तो आपको लड़के दिखेंगे या लड़का लड़की के साथ दिखेंगे, और इसलिए कोई लेके नहीं जाता। अब किसी की भी बात हो, कोई भी अपने मम्मी पापा के साथ कोई पार्क में नहीं आना चाहता, मोस्टली सबको पता है क्या होता है पार्क में, तो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो जाती है काफ़ी, खासकर बड़े लोगों के लिए। मतलब मेन चीज़ है थोड़ी सफाई तो होनी चाहिए, और जैसे कि ये जो इलीगल चीज़ जो होती हैं, काफ़ी कुछ होता है ऐसे ड्रग्स ही कह लो, जो जो भी स्मोकिंग करते हैं, नॉर्मल स्मोकिंग नहीं करते ना, तो और क्या कहते हैं, एक तो मतलब एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी हर एक पार्क में होनी चाहिए। जाकर छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, अब वो क्या सीखेंगे, यहाँ पर बच्चे स्मोक कर रहे हैं बैठ के, तो उन्होंने बड़े होके भी स्मोक ही करना है। सर एक तो सर लोग जब आते हैं, चाहे बच्चे आते हैं जो मर्जी आते, तो केयर नहीं करते कभी कुछ, या चिप्स वगैरह कुछ भी कोई समथिंग होगी, तो अब डस्टबिन वगैरह है, अब इधर भी देख सकते हैं आप, इधर कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए है तो वो फेंकते नहीं हैं, तो ऐसे ही डाल देते नीचे। और यहाँ पर मैंने लड़के देखे, कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जो स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ नीचे ही पार्क से नीचे यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह करते हैं और नशे वगैरह करते हैं, कई दूर से भी पढ़ने भेजे होते हैं माँ बाप ने, तो यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो माँ बाप ने दूर से पढ़ने भेजा उनको, तो गलत तरीका हो रहा है और गंद बहुत फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर वो है जो यहाँ पर पार्क में है, तो वो भी बोलते हैं तो सुनते नहीं है, बस वो है। क्या सर गंदगी तो यहाँ पे काफ़ी है सर इस पार्क में, और कूड़ेदान की व्यवस्था भी कहीं नहीं है इस यहाँ पर पार्क में, तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, यहाँ जगह जगह कूड़ेदान वगैरह लगा दो, और मतलब पार्क बढ़िया हो, सब बढ़िया, जहाँ पे बच्चे वगैरह आने में कोई तकलीफ ना हो, बुज़ुर्गों को कोई तकलीफ ना हो। इस विषय में तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मोकर्स तो यहाँ पे बैठे तो सभी होते, अब मतलब ना कोई ध्यान देता ना कोई कुछ।